हेलो एवरीवन वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट कम्प्लीटली रिलेटेड टू दी ब्लू ग्रीन एलगी नॉन स्टॉक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एलगी जिसमें नॉन स्टॉक एक वेरी इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया एंड जो क्वेश्चन की प्रॉबिलिटी है आने की और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए नॉस्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जीआईसी बायोलॉजी लेक्चरर्स एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर डाइट लेक्चरर्स एंड हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई है उसके सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस तो हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं दी एक आई ओनली नेक्स्ट टू दाइट्रोसिस्ट ये एक फीचर्स है गाइज़ कि एकाइनिट आपने अभी पूरा लेक्चर मेरा देखा उसमें आपने पूरा थ्योरीटिकल जो लेक्चर है नॉस्टॉक पे उसमें देखा था एक्इनीट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर बिटवीन द डिफरेंस फॉर नॉस्टॉक एंड एना तो जो एकाइनिट्स होती हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है इंटर कैलरी भी हो सकता है टर्मिनल भी हो सकता है बट जो पॉइंट है हम पोला गयााइनिट फॉर्म ऑनली नेक्स्ट टू हेट्रोसिस्ट हेट्रोसिस्ट के बाद एकाइनिट का जो फॉर्मेशन होता है ये एक इंपॉर्टेंट अपने आप में है तो इस तरीके की कंडीशन गाइस कहाँ पे पाई जाती है तो हम ये पाई जाती है सिलेंड्रो स्पर्मम देखिए ये क्वेश्चन नॉस्टॉक से रिलेटेड नहीं है क्योंकि आप इसका आंसर भी नॉस्टॉक नहीं बट हमारे टॉपिक में हमारे सिलेबस में बिलूगनी नलगी भी, भी कंप्लीट टॉपिक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेंड्रो स्पर्मम में जो बिलूग्रीन एलगी और जिसमें एक का फॉर्मेशन हमेशा हाइट्रोसिस्ट के बाद होता है इट इज इस फीचर फॉर द सिलेंड्रो स्पर्मम नॉट फॉर द नॉस्टॉक ठीक है बट हमारा डिस्कशन जो है पूरी तरीके से 99 परसेंट अकॉर्डिंग टू दी नॉ स्टॉक पर डिपेंड करता है बट आपका ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि फॉर्मेशन जस्ट नेक्स्ट टू हेट्रोसिस्ट इट इज रिपोर्टेड इन आल्सो ए ब्लू ग्रीन एल्गी नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस फ्रेगमेंट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी कैपेबल टू तो ग्रो इन टू न्यू प्लांट आर कार्ड फ्रेगमेंट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी कैपेबल टू तो ग्रो इन टू न्यू प्लांट ट्राइकोसिस्ट ए प्लेनोस्पोर्स हार्मोगोनिया हार्मोग देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं दो क्वेश्चन तो ए और बी का तो आंसर यहाँ से नहीं है कोई भी कंसर्न नहीं है बिल्कुल ग्रीन में बट हार्मोगोनिया एंड एकाइनीट आर बोथ आर कैपेबल टू तो प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट इनके साथ बिलू ग्रीन एलगी के पार्ट, अगर हम बात बोलें तो एकाइनीट और हार्मोगोनिया अब इसने बोला कि फ्रेगमेंट आप बिलू ग्रीन एलगी तो फ्रेगमेंट इकाइनीट जो होती है वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोसिस्ट कन्वर्ट हो जाती है बट फ्रेगमेंट ऑफ़ द ब्लू ग्रीन एल्गी कैपेबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट ये कंसर्न आंसर आपका जाता है गाइस हार्मोगोनिया में ये क्वालिटी जो है फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट मतलब कि एक से ज़्यादा सेल उसमें होती है तो वो कहलाएगा फ्रेगमेंट एक सिंगल सेल नहीं है पूरा एक ट्राइकोम्स हो गया ट्राइकोम्स का मतलब जो नॉस्टॉक का थैलेस है जो उसका फ्लामेंट है इसे बोलते हैं ट्राइकोम इसका एक सेल होता तो है तो मुझे कहते सेल जैसे एक आईनिट होता है एक सेल होता है केवल वेजिटेटिव सेल मतलब अपने चारों तरफ इन अनफेवरेबल कंडीशन में फूड को स्टोर कर लेती है और अपने चारों तरफ टू और थ्री लेट कवरिंग बना लेती है तो उसे कहते हैं एक आईनिट वो भी आपका एक रिपोर्डक्टिव बाडी एस एस वो रिपोडक्टिव यूनिट है बट हारमोगनिया आपको वेजिटेटिव रिपोक्टिव यूनिट में आता है और दूसरी बात जो क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रेगमेंट ऑफ बिल्कुल ग्रीनर की तो फ्रेगमेंट का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा सेल उसमें है तब का करेक्ट आंसर आपका होता है हारमोगोनिया आप कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो नॉस्टॉक कम्यून है एक स्पीसीज होती है नॉस्टॉक हल्का की एक्सेप्शनली हाइड्रोसिस्ट उसमें जो होती है

आप क्वेश्चन को देखें एक बार दोबारा से कि फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट का मतलब हुआ कि उसके जो ट्राइकोम्स सेल उसका थैलेस है उसका छोटा सा पार्ट मतलब दैट हैविंग बन मोर देन वन सेल तो ये आंसर होता है आपका हारमोगोनिया क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं इन पद्धि फॉलोइंग इज ब्लू ग्रीन एगा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको अपने लेक्चर में बताए हैं जो ब्लू ग्रीन एग्गी पे लेक्चर बनाया था उसके बाद हमने नॉस्टॉप पर बनाया था कि ब्लू ग्रीन एलगी कौन कौन सी हमें नॉर्मली दो चार के नाम पता होते हैं उसके बाद नहीं पता होते तो यहाँ पर एक पूरा बाइड स्पेक्ट्रम आप दी एलगी एग्जाम्पल्स आप उसे ध्यान रखें उसके बाद आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ब्लू ग्रीन एलगी है कौन सा नहीं है तो पहले मैं क्रूकस काइटोनीमा टोली एंड ग्लू कैप्सा तो इसमें से ब्लू ग्रीन एलगी एलगी तो सभी है बट ब्लू ग्रीन एलगी कौन सा है तो इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड आंसर है कि आप इसमें पहचान सकते तो जो है वो आपका ब्लूग्रीन एलगी बाकी स्काइटोनीमा आपका टॉलीपोथरिक्स और ग्रुकस ये भी आपके एलगी हैं स्काइटोनीमा भी यहाँ पे आपका थोड़ा देखें इसे कि ब्लूग्रीन एलगी है या नहीं बट क्लियर कट है ग्लूकैप्सा ब्लूग्रीन ग्लु एलगी आप ध्यान रखें इसे और स्काइटोनिमो भी बिल्लू ग्रीन एलगी में आता है यहाँ पे आंसर को चेंज करने तो कर ले तो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर आप आंसर कर लें इस तरीके से बॉल बॉक्स कर लेते हैं ठीक है अब इस समझ करें स्काइटोनिम को हटा दें यहाँ पे आप क्रूकस बॉल बॉक्स टोलिपोथ्रिक्स एंड ग्लूकैप्साई आपके पास आंसर हैं और इन आंसर में से ब्लूग्री एलगा आपका है ग्लूकैप्सा क्योंकि स्काइटोनो भी ग्रीन बिलूगुनल का था आपसे थोड़ा सा सेलेक्ट नहीं हो पाया सही भाई तो आंसर आप कंसिडर करें नाव कि क्रूकस बॉल बॉक्स एंड टोलिपोथ्रिक्स एंड फोर्थ वन इज ग्लूकैप्सा तो आउट ऑफ दिस फोर ग्लूकेप्सा इज द ब्लू ग्रीनलगी करेक्ट आंसर आपका डी क्वेश्चन नंबर फोर में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेडले एंड कार साइंटिस्ट थे दो इन लोगों ने बिल्लोग ने बहुत काम किया है दी नाइट्रोजन फिक्सिंग टेक्स प्लेस इन्होंने बताया था हाइड्रोसिस्ट एकाइनिट वेजिटेटिव सेल एंड आलाब्दी है वो कि कहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ठीक है ब्रेडले एंड कार के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे हेट्रोसिस्ट में होता है इकानेट में होता है वेजिटेटिव सेल में होता है आलाब्दी एवं होता है तो फोर्थ का आंसर साहब हाइड्रोसिस्ट हाइड्रोसिस्ट का मतलब ये होता है कि जो इनका जो फॉर्मेशन होता है एल्गा एलगाथेलस में टाइकोम में उस कंडीशन में होता है जब नाइट्रोजन इज लिमिटिंग तो वो अपनी कुछ सेल्स को कन्वर्ट कर लेता है हाइड्रोसिस्ट मेंाइड्रोसिस्ट आर टारगेटेड एड डेडिकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक एन थ्री देट आर एब्जॉर्बेड फॉर्म फॉर द हायर प्लांट ट्रूट मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करने वाली जो बॉडी होती है इन ग्लूक्रीन जल की दट इज नोन एज हाइड्रोसिस्ट का इस करेक्ट आंसर आपका ए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बात करते हैं साइनोफाइसी हैज़ गॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइनोफाइसी फाइसी ऑलरेडी बता चुके एक ग्रुप ऑफ़ एल्गी स्पेशली साइनो बैक्टीरिया मतलब एल्गी जो इलेवेंथ ग्रुप आपने बताए फ्रिश ने नाइनटी नाइनटीन थर्टी फाइव के जो अपने क्लासिफिकेशन में उसमें 11 ग्रुप बताए उन इलेवन ग्रुप में से ओनली सिंगल ग्रुप दैट इज ए प्रोकराटिक एलगी वो हैं आपके साइनोफाइसी जिन्हें जो बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं या बिलग्रू एलगी बोलते हैं तो इनमें जाहिर सी बात है प्रोकराट से तो एक सिंपल सी बात है प्रोकर्राइट में जो डबल मेम्ब्रेन आर्गन होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस हैज़ गॉड का मतलब क्या हुआ ये रखते हैं कौन सी चीजें होती हैं तो डेफिनेट न्यूक्लियस तो कभी नहीं रखता ना प्लास्टिक हो सकता है डेफिनेट नो डेफिनेट न्यूक्लियस तो सही है बट प्लास्टिक प्लास्टिक भी नहीं होता यह भी गलत हो गया ना इधर डिफेट न्यूक्लियस ना ये सही है ना तो डेफिनेट न्यूक्लियस होता है ना ही प्लास्टिक होता है तो गाइड करेक्ट आंसर आपका होता है सी क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम बात करते हैं दी फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिकज दी प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज नाइट्रोजन फिक्सिंग देखिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर्टी हो दोनों प्रोसेस होती हूँ तो ये ऐसी प्रॉपर्टी आपने पता साइनोबैक्टीरिया द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ और उसके अलावा वो नाइट्रोजन फिक्सिंग भी काम करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा गाइस केवल ब्लू ग्रीन एल्गी ही होते हैं मतलब जो ऐसा काम करते हैं जबकि हाइजोटोबैक्टर हाइड्रोबियम क्लास्टोडियम ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती दे आर कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर कैरी आउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन बट फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्वालिटी केवल ब्लूग्रीन में पाई जाती है दोनों प्रोसेस एक साथ करने की क्वेश्चन नंबर सेवन बात करते हैं इन जेनेटिक मटेरियल इज सिंपल सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रोकोराट जो होते हैं जब आपने देखा हो बैक्टीरिया में एपिसोम्स होता है और सर्कुलर मतलब इस तरीके का डी होता है तो एक तो आंसर आपको पता होना सर्कुलर डीन दूसरी बात जो इनका जो मटेरियल होता है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता और कॉम्पैक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल प्रोटीन होती है स्टोन तो वो भी नहीं होती तब इनका जो मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है तो दोनों चीजें नहीं होंगी एक सॉरी स्टोन नहीं होगी और सर्कुलर डीएनए कैसा होगा वो सर्कुलर होगा लीनियर नहीं होगा सर्कुलर का मतलब है कि वो अपना स्पेस ज्यादा गिरता है लीनियर का मतलब होता है बहुत कम स्पेस में मतलब आ जाए कॉम्पैक्ट तो दोनों बातें ध्यान रखना है सर्कुलर भी वही कंडीशन है कि जब स्टोन नहीं तो मटेरियल सर्कुलर होगा और जब हिस्टोन होगा तो मटेरियल डीएनए जो है वो आपका लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो कंप्लीट आंसर जो है आपका है कि सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन ये करेक्ट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर एट में बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी आप ग्रेट न्यूट्रेटिव वैल्यू की कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है जिसकी न्यूट्रेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है ग्रेट न्यूट्रटिविटिविटिव वैल्यू की बात है तो आपने सुना होगा स्पायरोना की टैबलेट आती है ये सब कुछ आता है क्लोरेला भी आता है बट इनमें दोनों का कम्पेयर करें स्टिग्मा और गलकअप्सा का दोनों रोल नहीं है यहाँ पर बट स्पायर क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट बट यहाँ पर इन्हें बोला ब्लू ग्रीन एल्गी तो क्लोरेला तो आपका ग्रीन एलगी नॉट ब्लू ग्रीन एलगी तो सिंपल से आंसर से होगा जो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो न्यूट्रेटिव वैल्यू रखता है वो आपका स्पायोना है तो करेक्ट आंसर आपका बी कोई चांस नहीं है कि कोई आंसर चें विच दी फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लू ग्रीन एलगी इसमें देखिए हमको को तो आइडिया करना है कि कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है सिंपल सी बात है ब्लू ग्रीन एलगी नहीं है तो आपका नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एलगी है नाबीना ना ब्लू ग्रीन एलगी है एलोसैरा ब्लू ग्रीन एलगी तो गाइस अभी हमने बताया था कि क्लोरेला इज ए ग्रीन एल्गी तो यहाँ पर नहीं है तो ब्लू ग्रीन एलगी नहीं है कौन है क्लोरेला नहीं है क्वेश्चन नंबर टेन में बात करते हैं इनमें चाहिए फॉलोइंग में बी यूज इन रिक्लेमेशन ऑफ आप सॉइल आपको बताया था कि हमारी जो ऊसर लैंड होती है ऊसर लैंड को हम कह सकते हैं किले वाली मट्टी जो चिकनी होती है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सुटेबल तो इस लैंड को कल्टेबेल लैंड मतलब एग्रीकल्चर सुटेबल लैंड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है नास्टॉक का एग्जाम्पल नास्टॉक क्या है बिल्कुल नलगे तो सिंपल सी बात है जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ तो नाश्टॉक ही क्लियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम बिलुकुल नेलगे की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका सी क्वेश्चन नंबर इलेवेन बात करते फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर फिफ्टी परसेंट हाइयर रीड ऑफ राइस बाय यूजिंग विच द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर तो आपको पता ना है नास्टॉक का बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर दूसरी ब्लूग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर काम करते हैं और जो राइस की जो फील्ड ईल्ड है वो ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा है मतलब 50 परसेंट ज़्यादा दिखाई गई है बाय एप्लीकेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर कब द बायो फर्टिलाइजर हमारा कौन हो ब्लूग्रीन एल्गी काम करता हो ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर काम करता हो तो राइस की ईल्ड बहुत बढ़ जाती है ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल में बात करते हैं लाइकेन इन लाइकन लाइकन क्या है एक एसोसिएशन है जिसमें एलगी और फंजाई साथ साथ रहते हैं अब एलगी और फनजाई साथ साथ रहने के बाद जो बॉडी बनती है उसे लाइकन बोलते हैं अब लाइके में फाइको बायोन कौन होता था कि फाइको का मतलब जो फोटो संथज करता हो तो फोडो संथेज कौन था क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिक और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कौन है, तो है? है लाइकन में वो एलगी है तो अब इसमें कह रहा है कि लाइकेन में फाइको बायोन का एन भी कौन कौन हो सकता है फाइको वायलेंट तो फाइको के लिए आपका ग्रीन यू कराटिक अलग भी हो सकता है क्योंकि वही फोटोसेंथिस करता हो साइनोबैक्टीरिया भी ब्लू ग्रीन एलगी मतलब जो फोटोसिथेस कर सकता है तो करेक्ट आंसर गाइज होगा यहाँ पे सी बोथ मतलब जिसमें आंसर है ए और बी मतलब यू कराटिक भी, भी पॉसिबल है और साइनोबैक्टीरिया भी पॉसिबल है कि दोनों ही इन लाइक एक एसोसिएशन बॉडी ऑफ द एल्गी एंड फंजाई जिसमें जो फाइको वायलेंट होगा दैट कैन बी कैरी आउट फोटोसिंथेसिस वो आपका साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है और वो आपका यू बैक्टीरिया भी हो सकता है तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी क्वेश्चन नंबर थर्टी में बात करते हैं इन वास्ट मेजोरिटी ऑफ लाइक माइको बायोट मेनली फ्राम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ज़्यादातर जो लाइकेंस हैं उसमें जो माइकोबायोट मतलब फंगल वाला पार्ट जो होता है जो फंजाई होता है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटा बेस्को माइकोटा फाइको माइको एंड नन ऑफ द तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी पॉइंट आप जहाँ पे जो लाइकेस होता है उसमें जो फंगल वाला पार्ट होता है वो बिलोंग करता है आपका बेस्यो माइकोटिना बेस्यो माइकोटेना का फंजाई होता है या एस्को माइकोटेना का फंजाई हो तो जाता है जो आज करेक्ट आंसर है वो आपका बेस्यू माइकोटोटा मतलब बेसिडो माई सिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली लाइकेंस बनाते हैं थर्टीन ये करेक्ट आंसर आपका ए। एसको माईसोटा के मेंबर होते हैं बेस्डो माइसिटा के नहीं मेंबर होते हैं तो थोड़ा सा करेक्ट करें इसे मोस्ट ऑफ दी प्लेसिस जो लाइकेन में जो आपका फंगल पार्टनर होता है वो बिलोंग करता है एस्को माइकोटा या हम इसे कह सकते हैं एस्को माई के मेंबर्स होते हैं जो लाइक में माइको माइकोबायट बनाते हैं करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हम बात करते हैं विच इज़ कॉमन इन साइनो साइनोलाइकिन देखिए साइनो साइनोलाइकिन का सिंपल सा मीनिंग है कि लाइकन तो था बट साइनो साइनोलाइकेंस मतलब जिसमें ब्लू ग्रीन एलगी जो होता है वो आपका फाइकोबायट होता है और दूसरा फंजाई होता है तो ब्लू ग्रीन एलगी जब लाइकिन बनाता है तो उस लाइकोन को हम बोलते हैं साइनो साइनोलाइकन अब ब्लू ग्रीन एलगी में कौन सा जो एलगी होता है वो लाइकन में पार्टिसिपेट करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमनली तो स्पेलिना नास्टॉक बोथ एलोसि तो आपका मोस्ट ऑफ आप द केसेस में ये देखा गया है कि नोस्टॉक जो होता है वो आपका साइनोलाइकिन में मोस्ट ऑफ द केसेस में साइनोलाइकिन केस में नॉस्टॉक बनाता है जाके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में बात करते हैं नॉस्टॉक स्पेराइड्स पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ड्यू टू यूज ऑफ जो नास्टॉक की जो कॉलोनीज होती हैं जो उनके स्पेराइड्स होते हैं उनकी जो नंबर होती है वो डिक्रीजिंग ड्यू टू द यूज ऑफ किस केमिकल की वजह से ग्रेजिंग की वजह से ऐसा होता है पेस्टिसाइड यूज़ की वजह से होता है या दोनों की वजह से या इंडस्ट्रियल वैल कोई इंडस्ट्रियल वैल्यू मतलब कोई इंडस्ट्री वहाँ पे लगा देते हैं उसकी वजह से नास्टॉक की कॉलोनी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है तो कहीं इसका जो मेन रीज़न है क्वेश्चन नंबर फिफ्टिफ्टिफ्टिटीन का वो है पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड के अप्लीसन का मतलब होता है कि जो पेस्ट होते हैं उनके साथ जो नास्टॉक का जो एसोसिएशन होता है और जब पेस्टिसाइड अप्लाई करें तो वो जो हर्ब्स होती हैं जो जो खत्म हो जाती है उन्हीं के साथ नॉस्टॉक एसोसिएशन में होता है तो नॉस्टॉक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉलोनीज होती हैं वो डिक्रीज होती हैं ड्यू टू यूज ऑफ़ पेस्टिसाइड एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग या इंडस्ट्रियल वैल्यूज उतना असर नहीं पड़ता सबसे ज्यादा इफेक्टिव है पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में बात करते हैं नॉस्टॉक फ्लेजी फार्मिंग नॉस्टॉक की एक स्पीसीज है नॉस्टॉक फ्लेजी फार्मिंग इसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इट कैन ग्रो फोटो आटोट्राफिकली मिग्जोट्रॉफिकली एंड हैट्रोट्रॉफिकली तो ये तीनों तरीके से मतलब ग्रो कर सकता है लाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है दोनों तरीके फोटोसिंथेसिस और हाइटोट्रॉपिकली मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज करके दो मिक्सिंग भी कर सकता है और कंप्लीटली हेटोट्रॉपिकली भी ये अपनी कॉलोनी अपनी नंबर बढ़ा सकता है मतलब इसके पास तीनों अप्रोच हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑफ इज करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज यूजड बाई चाइनीज एज ए फूड डेलीकेसी एंड फॉर देयर हर्बल वैल्यूज फॉर लास्ट हंड्रेड ईयर मतलब चाइना में एक एलगी यूज करा जा रहा है उनकी डेलीकेश फूड के फार्म में और दूसरा वो अपनी हर्बल वैल्यूज की फार्म में यूज़ कर रहे हैं लास्ट हंड्रेड ईयर से तो वो कौन सी एलगी की है नास्टॉक फ्लेजी फार्मी है नास्टॉक मस्कोरम है नास्टॉक स्प्रोइट्स है या आलाप दिया तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी इसमें जो नास्टॉक की तीनों स्पेसीज वो चाइना में यूज़ करी जा रही है नास्टॉक मस्कोरम भी यूज हो इस्टो रहा है नास्को एस्प्रोइ्स भी हो रहा है ना फार्मी भी यूज की जा रही है तो करेक्ट आंसर आपका डी क्वेश्चन नंबर एटीन में हम बात करते हैं इन साइनोलाइकेन फंजाई प्रोवाइड दी एलगी फंजाई देखिए साइनोलाइकेन बनता है मतलब ऐसा एक रिलेशनशिप जिसमें लाइकेन बन गया लाइकेन में आपके दो लोग होते हैं एक एलगी होता है और एक फंजाई होता है तो जो एलगी है ये कौन सा है बिलगुनिन एलगी है ठीक है अब इस लाइकेन में और फंजाई जो होता है वो एलगी को क्या क्या, क्या चीज़ देता है क्योंकि लाइकिन कैक क्या क्या एसोसिएशन में एलगी और फंजाई साथ साथ रहते हैं ठीक है अब फंजाई क्या देता है आपको पता फंजाई एक एक्लोरोफिलस है मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना मिलता है अब भोजन इसे मिलता है ब्लू ग्रीन एलगी या जो भी एलगी उसके साथ मिल जाता है अब फंजाई इसे बदले में क्या देता है मॉइस्चर देता है सी देता है इन आयन देता है रिलेटेबली स्टेबल हैबिटेट रहने की जगह देता है सी ओ टू देता है मॉइस्चर देता है ई आला भी हो सब कुछ देता है ये जितने भी चार स्टेटमेंट हमने बताएं आपको ये सब कुछ देता है करेक्ट आंसर आपका ई मतलब मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है मतलब पानी भी देता है सीओटू भी देता है कि जिससे एलगी अपना भोजन बना लेते देखिए मॉइस्चर और सीओटू का मतलब क्या हुआ ये पूरा फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल दे दिया जिससे कि एल्गी फूड मटेरियल बना ले ठीक है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है क्लोरोफिल फंजाई के पास होता है तो वो मॉइस्चर और सियोटो मॉइस्चर मतलब वो वाटर और वाटर साथ वो खुद बना सकता था बट उसके बाद क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्रोवाइड कर देता है किसी एल्गो को एलगू मॉस्चर और सियोट का यूज़ करके फोडसेंस बना लेता है फोडोसिल करके फोडोनसेस फूड मटीरियर बनाता है और फूड मटीरियल को तो प्रोवाइड कर, तो तो कर, तो कर, कर देता है फंजाई को इसके अलावा फंजाई उसे अनगेनिक आइंस भी देता है और रिलेटिवली स्टेबल हैबिटेट मतलब उसे रहने की अपने अंदर जगह भी देता है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ई ऑप्शन इज करेक्ट है कि आला इज़ करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में बात करता है कि मोस्ट लाइकेन सिम्बाइसिस इज मोस्ट केस में जो लाइकेंस है लाइकेन में जो सिम्बाइसिस होती है जो एसोसिएशन है वो कैसा होता है ऑब्लीगेट होता है फेकल्टेटिव होता है बोर्ड समटाइम फैकल्टेटिव समटाइम ऑब्लीगेट ऑब्लीगेट यहाँ समझने फैकल्टेटिव का मतलब हुआ कि हमारे पास और अभी ऑप्शन प्रेजेंट है कि अगर हमें इनके साथ एसोसिएशन कट हो जाए तो हम किसी दूसरे के साथ एसोसिएशन बना सकते हैं ये होता है फैकल्टेटिव और ऑब्लीगेट का मतलब होता है कि हम इस पार्टिकुलर आर्गन के साथ ही एसोसिएशन बना सकते हैं और विदाउट दिस वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट तो दो चीज़ें होती हैं कि हमारे पास सर्वाइवल के चांसेस हैं इसको छोड़ के भी या फिर बिल्कुल चांसेस नहीं है ये होता है ऑब्लिगेट तो गई जो मेन लाइकेंस में जो सब्बाइसिस होती है उसका सीधा से मीनिंग होता है ऑब्लिगेट अब्लीगेट का मतलब होता है कि देर आर नो चांस हम अगर एसोसिएशन बना के रह रहे हैं और हम जिंदा हैं तो केवल इसके साथ ही रह सकते हैं लाइकन में जो लाइक के केस में जो सबाइसिस होती है वो वो ऑब्लीगेट होती है मतलब चांसेस उसमें ना के बराबर कि चांसेस नहीं कि अगर एक एलगी एक फंजाई के साथ रह रहा है तो ये एलगी इसी फंजाई के साथ ही रह सकता है किसी दूसरे फंजाई के साथ ये एसोसिएशन नहीं बना सकता ना ये एल्गित सर्वाइव कर पाएगा ना ये लाइक फंजाइ सरवाइव सर्वाइव कर पाएगा मतलब वेरी क्लोज रिलेशनशिप की एक दूसरे से अलग होकर ये जीवित नहीं रह पाएंगे ये दिस इज मीन्स ऑब्लिकेट तो इन मोस्ट लाइक में मोट होती है वो ऑब्लिकेट टाइप की होती है करेक्ट आंसर आपका पी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बात करते हैं लाइकेन में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोवाइड्स दी फंजाई देखी उल्टा क्वेश्चन कर दिया अभी से पूछा था कि फंजाई एल्गी क्या देता है और आप पूछ रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है मतलब एल्गी ही मतलब एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी, एल्गी फंजाई को क्या प्रोवाइड करता है देखिए लाइकेन फिर से देखिए लाइकेन है और इसमें एक एल्गी और एक फंजाई है अभी हमने देखा था कि फंजाई ने चार आइटम इसे दिए थे एलगी को अब कह रहे हैं एलगी क्या प्रोवाइड करेगा तो एल्गी ने इन चार आइटम का दो आइटम का यूज़ करा था किसका का और मॉइस्चर का सी मॉइस्चर मीस वाटर वाटर और सियोटू का ने यूज करके क्या करना फोटोसिंथेसिस बना दिया मतलब भोजन बना के उसे दे दिया तो सिंपल सी बात है वो उसे एक तो भोजन देगा दूसरा ब्लू ग्रीन एलिए चूंकि तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी क्वालिटी है एक स्पेशल क्वालिटी अगर एलगी होता तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता मगर ब्लू ग्रीन एलगी तो ये नाइट्रोजन मतलब फिक्स नाइट्रोजन मतलब एनओ थ्री के फार में या एनएस थ्री के फार में ये भी प्रोवाइड करेगा तो यहां पर गए दोनों आंसर सही होगा फोडोसिथेट्स और फिक्स नाइट्रोजन अगर के सिंपल सा आंसर होता कि एलगी होता है बिलू ग्रीन एलगी नहीं होता तो केवल वो फोटो सिंथ देख सकता है क्योंकि नॉर्मल एलगी नॉट एबल टू प्रोवाइड नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन फिक्सिंग की कैपेबिलिटी नहीं है नॉर्मल एलगी में मगर ब्लू ग्रीन एलगी में नाइट्रोजन फिक्सिंग की भी क्वालिटी है तो ये फोटो सिंथेटिक क्वालिटी तो है ही और नाइट्रोजन फिक्सिंग तो ब्लू ग्रीन एलगी जो होता है जब एसोसिएशन बनाता है लाइकन विद फंजाई के साथ तो ये दो चीजें प्रोवाइड करता है फोटो सिंथेटिक प्रोवाइड करता है और फिक्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है जबकि सिंपल एलगी केवल फोटो प्रोवाइड कर पाता है तो करेक्ट आंसर का यहाँ पे होता है सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में बात करते हैं नास्टोसिन ए एक्स्ट्रा सोलर पिगमेंट प्रोटेक्ट द सेल्स देखो एक नास्टोसाइन एक पिगमेंट है जो ब्लू कलर का होता है और वो पिगमेंट मतलब ब्लू ग्रीन एलगी ही से करता है स्पेशली नॉस्टॉक से निकलता है जिसका नाम है नास्टोसाइन ए इसका वर्क क्या है ये क्या फंक्शन करता है ये फंक्शन करता है दोनों फंक्शन करता है एक तो पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट होता है नहीं जो हाई रेडियंस होती है हाई लाइट उससे भी बताता है अपने खुद को ना स्टॉक को मतलब ज़्यादा रेडियंस जो है उससे बताता दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बताता है मतलब बी और सी दोनों टाइप के रेडिएशन से बताता है ए भी सही है और बी भी तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी जिसमें हम बात करेंगे बी और सी बोथ आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में हम बात करते हैं इन द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉस्टॉक नॉस्टॉक के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं उसमें देखते हैं क्या सही है क्या गलत है तो पहला है इसमें नाश्ता की क्वालिटी के बारे में करता है कि ये सॉइल रीहेबिलिटेशन में काम करता है बिल्कुल करता है अभी हमने आपको बताया था किले सॉइयल को ये हमारी फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देता है दूसरा रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन जो ऊसर लैंड होती है ऊसर सॉइल्स होती है उसे भी इंप्रूव कर देता है बिल्कुल करेक्ट बात है इसके अलावा आपने देखा नास्टॉक एक स्पीच होती है नॉस्टॉक मस्कोरम ये क्या करती है इसके अंदर एक जो हमारी प्लास्टिक्स होती है इसका एक प्रिकर्स होता है जिसे बोलते हैं पी एच बी मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट ये इसका फॉर्मेशन करता है ये अपनी बॉडी में स्टोर करता है तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी आल करेक्ट मतलब ए बी सी जो जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है ट्वेंटी टू में आपका करेक्ट आंसर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में बात करते हैं इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ नास्टॉक यूज एंड फूड इन चाइना कौन सी स्पीसीज चाइना में फूड के फार में यूज करती है तो हम बहुत बार बता चुके हैं गायज नास्टॉक कैम्यून यूज करी जाती है चाइना में फूड के फार में करेक्ट आंसर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में हम बात करते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ स्टेटमेंट्स है उन्हें मैचिंग करना है कि किसका किसके साथ रिलेशन से. तो गाइज करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है ए हम आपको बता दें जो जिसके सामने लिखा हुआ वही करेक्ट है हाइट्रोसिस जो है वो ए, थिक वाल्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं क्योंकि हाइट्रोसिस केवल नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बनती हैं एक जो है वो थिक बाल रेस्टिंग सेल्स होती हैं क्योंकि कुछ टाइम के बाद मतलब एक अनफेवरेबल कंडीशन बनती है कुछ टाइम तक के लिए सुप्त अवस्था में चली जाती हैं और जब फेवरेबल कंडीशन होती है अनसेट मतलब जब नस कंडीशन सामान्य हो जाती है तो ये अपने आप से जनरेट होकर न्यू ट्राइकोम न्यू एल्गा का फॉर्मेशन कर देती हैं हारमोगनिया जो होती हैं वो सिलेंडर मोटाइल फिलामेंट्स हैं मतलब हारमोगनिया में एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं कहने का मतलब सिलेंडर मोटाइल फिलामेंट्स आप दी ट्राइकोम आप दी नॉस्टॉक या जो भी ग्लूग्रीन एल्गी जहाँ पर बन सकती हैं बनती हैं इंडो क्या होता है इंडो जो होते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है नार्मली इंडो स्पोर्ट नॉर्मली आपने देखा होगा थिक बाल्ड मगर इंडो में मे नॉस्टॉक में जो है हम जैसे ब्लू ग्रीन लड़की की बात करें तो थिन बाल्ड राउंड रि स्ट्रक्चर्स होती है करेक्ट आंसर आपका ए जो इसके सामने लिखा है एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है द टर्म फॉल इन स्टार्स इज कंसर्न विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने थ्री के लेक्चर में आपको बताया था कि फॉल इन स्टार्स एक नाम है किस एलका का है नॉस्टॉक का होता है क्योंकि नॉस्टॉक के चारों तरफ क्या होता है एक म्यूलिजनस लेयर होती है जो बरसात के दौर में और ज़्यादा जिलेटेंस होकर ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद उनके जो पार्ट्स होते है, हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉल इन स्टार्स करेक्ट आंसर आपका सी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में बात करते हैं इंडिविजुअल सेल ऑफ द स्टॉक थैलस में भी एक जो एक पर्टिकुलर सेल अगर हम बात करें नॉन स्टॉक थैलस की वो कैसी हो सकती है तो मोस्टली जिसके चांस है वो स्वरिकल होती है बट उसके अलावा वो वायरल सेट भी बाइल सेट मिलेगा इस तरीके से और ओवल सेट मोलांडा कर ये करेक्ट आंसर आपका डी तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं मोस्ट ऑफ द केसम स्वरिकल होती है मतलब ज्यादा चांसेस है स्फेकल होने के बट यहाँ पे मोस्टली या यह का नाम नहीं लिया इन्हें कहा कि मे भी मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ की है तो पॉसिबिलिटी तो स्फेकल वायरल एंड ओवल सभी तब की हो सकती है करेक्ट आंसर आपका ट्वेंटी का डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बात करते हैं दी फिलामेंट या टाइकोम ऑफ द नॉस्टॉक में कंटेन विज स्ट्रक्चर देखो नॉस्टॉक के थल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं हारमोगोिया होती है सिंपल सी इकाइनट भी होती है हाइड्रोसिस्ट भी होती है इस करेक्ट आंसर डी आप मेरे थ्री के लेक्चर को देखेंगे और आपको और बता सकता हूँ हारमोगनियाइनट हाइड्रोसिस्ट के अलावा इसमें और वेजिटेटिव सेल्स जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ दी सेल्स होती है वेजिटेटिव सेल्स होती है वो भी होती है और इंडो भी उसके अंदर बन जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में हम बात करते हैं नॉस्टॉक स्पीसीज डेवलप्स कॉलोनी विद करेक्टिस्टिक्स मतलब ना नास्टॉक की जो स्पीसीज होती है जो अपना वो थायलस बनाती हैं थैलस का मतलब कंप्लीट उनकी जो बॉडीज होती है बहुत सारे नॉस्टॉक के अपने इस तरीके जैसे नॉस्टॉक की एक बॉडी एक नॉस्टॉक का थायलस ये इस तरीके से इस तरीके से इनके चारों तरफ एक कॉलोनी फिर इनके ऊपर एक जिलेटनेस कवरिंग आ जाती है दिस इज कॉलोनी ठीक है जो कॉलोनी होती है नॉस्टॉक की उसकी क्या 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 होती है मतलब डिफरेंट शेप की हो सकती है बिल्कुल करेक्टिस्टिक्स हैं इसकी स्पीसीज के करेक्टर मतलब एक नॉस्टॉक कम्यून की शेप अंडाकार हो रही है उसके थैलस की दूसरा जो है फ्लजी फार्मिंग उसकी पता चला स्पेरिकल हो रही तो डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट

इकाइनट थ वाल्ट होती है और रेस्टिंग सेल्स होती हैं बिल्कुल करेक्ट है गैस हाइट्रोसिस जो होती है वो थिक होती हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज सेल्स होती हैं बिल्कुल सही हार्मोगोनिया जो होती है सिलेंडर मोटाइल फिलामेंट होते हैं मोटाइल का मतलब इनमें मूव कर सकते हैं और ये सिलेंडर मतलब इनमें एक से ज़्यादा सेल्स का फार्मेसर एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं मतलब इसके अलावा इंडोस्पोर जो होता है वो थिन बाल्ट रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है और इंडोस्पोर के बारे में अगर हम बात करें तो राउंड होते हैं ये भी सही बात है करेक्ट आंसर आपका ई सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर थर्टी में हम बात करते हैं इनमें द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द ना स्टॉक प्रोड्यूस इंडो स्पोर सभी स्पीसी नहीं बनाती है कुछ स्पीसी बनाती है तो कौन कौन सी बनाती है आपको इसमें देखिए माइक्रोस माइक्रॉस को पाइलम कम्यून बोथ एम्प्लीसियम तो जो दो स्पीसीज ऊपर वाली गए ये दोनों ही आपकी जो है बनाती हैं इंडो तो करेक्ट आंसर आपका होता है थर्टी का सी क्वेश्चन थर्टी वन का फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्ट एज ए पेरिनेटिंग यूनिट ऑफ दशन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का देखिए बहुत सारे तरीकों से रिपोर्डक्शन होता है रिपोर्डक्शन का सिंपल मीनिंग होता है अपनी नंबर को बढ़ाना अब इसमें आता है कि एक जहाँ पे थैलैस है पूरी कॉलोनी प्रेजेंट है वहीं पर नंबर को बढ़ा देना या फिर कोई दूसरे प्लेस पे जाके बढ़ाना दो तरीके से तो जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं आपने हारमोगोनिया हाइट्रोसिस्ट एकाइनीट्स इंडो सुना है बट इसमें से पेरिनेटिंग या डिस्पर्सिंग यूनिट की में कौन काम करता है रिपोडक्शन तो करता है मतलब उनके मल्टीप्लीकेशन में तो हेल्प करेगा मगर डिस्पर्सिंग का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद नंबर को बढ़ा देना वहाँ पर जाकर मतलब आप जहाँ पे उसका फार्मेशन हुआ वहाँ पे नया फार्मेशन ना करके दूसरी डिस्टेंट प्लेस पर फार्मेशन करता है इस केस में उन्होंने बोलते हैं डिस्पर्सल और पेरिनेटिंग यूनिट तो ऐसी जो बॉडीज़

उसे उस प्लेस से डिस्प्लेस करके किसी दूसरे प्लेस पे ले जाता है तो वहाँ जाके जब वो कंडीशन सुटेबल हो जाती है तो उनके अंदर से एक इंडोस्पोम निकल के न्यू ट्राइकोम का फॉर्मेशन करता गाइज तो ये जो है पेरीनेटिंग यूनिट की में भी काम करती हैं रिप्रोडक्टिव तो हैं बट पेनेटिंग यूनिट की में काम करेक्ट आंसर आपका ए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में बात करते हैं इनमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अनदर नेम ऑफ अर्थोस्पोर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन सी आई कैन एट इंडोस्पोर हार्मोगोनिया हाइट्रोस में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम अर्थोस्पोर्स भी बोलते हैं कॉमनली इसका भी आंसर गाइज होता है इकाइनीट वेरी इंपॉर्टेंट है एकाइनिट को हम अर्थोस्पोर्ट्स भी बोलते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक स्पोर्ट के फॉर्म में पढ़ा रहता है इसलिए इसे कहते हैं अर्थोस्पोर्स क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में बात करते हैं इनमें साथ ही फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हाइड्रोसिस्ट हाइट्रोसिस्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि हाइट्रोसिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं ना स्टॉक के अलगाम या ब्लूकिन अलगा में तो कौन कौन सी क्वालिटी उससे कंसर्न है या नहीं है जैसे कि राउंडेड शेप होती है होती है लाइट येलो कलरेशन कलरेशन पर कलरलेस भी हो सकती है बिल्कुल सही है थिक वाल्ट होती हैं थिक वाल्ट होती हैं थिक वाल्ट होती हैं टर्मिनल इन औरजिन मतलब हमेशा टिप पे बनती है तो ये बात सही नहीं गाइस टिप पे कहाँ बनती है ये तो बीच में बनती है गाइस तो करेक्ट आंसर आपका जो है कि टर्मिनल फीचर नहीं है वो फीचर नॉट ए फीचर नॉट फीचर है कि टर्मिनल इन ओरिजिन ये वाली क्वालिटी नहीं होती जबकि राउंड शेप में होती है लाइट एलोइस ही या फिर कलरलेस भी हो सकती हैं और थिक वाल्ट होती हैं गाइस बट टर्मिनल इन ओरिजिन मतलब कि जो एल्गा है मतलब ट्राइकोम से इसकी ओरिजिन टिप पे नहीं बनती बल्कि ये दो वेजिटेटिव सेल के बीच में बनती हैं तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे डी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोन बात करते हैं करप्टो तो फाइसिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी रिसर्च एंड ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड थोड़ा सा हाईटेक क्वेश्चन है जो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं टेन जो जो इस लेवल के स्टूडेंट होते हैं एम और बी उनके रीज से थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि इट इज कंसर्न फ्रॉम द रिसर्च पेपर क्रिप्टो फाइसिन इज एन एंटी फंगल एंड एंटी कैंसर मेडिसिन ऑप्टेंट फ्रॉम ए फ्रेश वाटर साइनो बैक्टीरियम नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका जो आंसर है वो नॉस्टॉक है और नॉस्टॉक हमारा आज का टॉपिक है कि एंटी फंगल के फार्म में ड्रग जो थी हमने

कैंसर का मतलब गाइस क्या होता है सिंपल था एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की सेल का डिवीजन जो हो है वो कंटिन्यूस हो जाए रुके ना मतलब एक टाइम के बाद जो रुकना ना हो और एक ट्यूमर के फार में वो एपरेंस क्योंकि जब ज्यादा सेल बन बजाय तो बर्ड्स के ऊपर बट के फार्म में दिखाई देने लेंगे दैट इज मीन्स कि इट इज रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने का काम ही होता है कोई मेडिसिन अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक दे रही तो वो दैट इज एंटी कैंसर कहलाएगी बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं सबसे पहला तरीका इसमें जो कैर वाइज क्रेप्टोफाइजन वो आपका है कि ये जो स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं जो माइक्रोट्यूबल असेंबली बनती है उन्हें ये ब्लॉक कर देती है तो करेक्ट आंसर आपका थर्टी फाइव का ए कि बाई ब्लॉकिंग दी माइक्रो ट्यूब असेंबली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये इसका फंक्शन होता है जो माइक्रो ट्यूबवेल जो आपने देखा हो क्रोमोसोम सेल में इस तरीके से जो क्रोमोसोम को मूव कराते हैं दूसरी स्टेज इस तरीके से उन माइक्रोट्यूबेल की जो सिंथेसिस होती है उसे ये कर, रोक देती है अब जब माइक्रो ट्यूबवेल्स नहीं बनेंगे तो सेल अल्टीमेटली डिवाइड होना बंद हो जाएगी तो इस तरीके सेल डिवीजन रुक जाएगा दैट मीन्स इट इज़ एंटी कैंसर फंक्शन तो क्रेटोफाइन इस तरीके से बाई ब्लॉक द माइक्रोट्यूब असेंबली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में हम बात करते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी नॉस्टर नोस्टोर के बारे में कुछ स्टेटमेंट जो पहला है कि ए हाइड्रोसिस्ट इज कनेक्टेड विद वजिटेव सेल्स ऑन टू साइड्स थ्रू दि प्रोमिनेंट पोर्स एक हाइड्रोसिस जो होती है वेजिटेटिव सेल अपने आसपास के जो वेजिटेटिव सेल्स होती है ऊपर भी वेजिटेटिव सेल नीचे वेजिटेटिव सेल्स होती है उससे ये टू साइड में कनेक्ट होती है बाई प्रोमिनेंट पोर्स के थ्रू बिल्कुल सही बात है ये दो तरीके से जुड़ी होती है मैं आपको फिगर के थ्रू मैं बताऊँगा ए प्रोमिनेंट पोर्स ऑक्युपाइड बाई द रिफ्रेक्टिव साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स काल्ड पोलर नेडिवस और उन जो जिन पोर्स के थ्रू ये कनेक्ट होती हैं उनमें उन जो होते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रिफ्रेक्टिव साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स उन पोर्स को घेरे हुए रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलर नेडूवस ये बात बिल्कुल सही है और तीस स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजन जो एंजायम्स होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजायम्स है वो आपका हारमोगोनिया और एकाइनेट में पाया जाता है ये बात गलत है भाई देखो हाइड्रोसिस्ट में पाया जाता है हारमोगोनिया एकाइनेट रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं मगर हाइड्रोसिट जो रिप्रोडक्टिव होने के साथ साथ मेनली वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बॉडी है तो जो नाइट्रोजन एज एंजेम होगा वो हार्मोकोन यान में नहीं पाया जाएगा गाइड तो यहाँ बोला कि नॉट ट्रू कौन सा है तो ये वाला ट्रू बिल्कुल नहीं है अभी दो पर वाले ट्रू थे तीसरा वाला भी ट्रू हो फोर्थ भी ट्रू हो क्यों हाइड्रोसिस्ट प्रोड्यूस ऑनली वे नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रेडियो नाइट्रोजन जब कम हो जाती है तब हार्मोगोनिया का हाइड्रोसिस्ट का फार्मेशन होता है और इसी के अंदर आपका एंजाइम नाइट्रोजनस पाया जाता है अब इसमें कह रहा है ऑप्शन सी में कि नाइट्रोजनस फाउंड इन दी हार्मोगोनिया एंड एकाइनिट इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट गाइड और ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट ट्रू क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन बात करते हैं नॉस्टॉक अकर्स इन सिम्बायटिक एसोसिएशन विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नॉस्टॉक के बारे में थर्टी फाइव जो थर्टी नाइन क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच ही नहीं सकता आपका एग्जाम में और हायर लेवल से लेकर आपका टी तक के एग्जाम में इस सीरीज से क्वेश्चन आउट नहीं हो सकता वेरी इंपॉर्टेंट थर्टी फाइव क्वेश्चन ऑनली कंसर्न टू दी ऑनली कंसनट्रेटेड ऑन दी ऑल एस्पेक्ट ऑफ द नॉस्टॉक देखिए नॉस्टॉक अकर्स इन सिम्बायटिक एसोसिएशन विद आपको पता होगा बहुत ज्यादा है कि ये जो होता है हमारा सॉरी ट्रेडोफाइट या ब्रायोफाइट के साथ एसोसिएशन रहता है जिसे हम इंतफराज तो बोलते हैं बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रायोफाइट के साथ भी एसोसिएशन रहता है ये ट्रेडोफाइट जो कैटेगरी होती है उसके साथ भी रहता है और एक एंजियोस्पर्म होता है गुनेरा मैनिकुलेटा उसके साथ भी एसोसिएशन रहता है जो करेक्ट आंसर आपका होता है डी आपको पिक्चर के थ्रू मैंने अपने थ्री के लेक्चर में दिखाया थ्री का लेक्चर देखें इसके क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से उसकी बॉडी में रहता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में देखते हैं फंगस कंटेंट नॉस्टॉक पंक्टी फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन उसी ऊपर वाले क्वेश्चन से बिल्कुल कंसर्न है कि ये फंगस है जिसमें नॉस्टॉक पंक्टी फार्मिंग नॉस्टॉक की स्पेशल स्पीसीीज है पंक्टी फार्मिंग वो रहती है उसके टाइकोम में इन थैला दिस फंगस इज उस फंगस का नाम आपको बताना है क्वेश्चन में तो नाम है जियोसीफॉन पायरी फॉर्मी इट इज ए फंगस दिस के अंदर नास्टॉक पंक्टीफार्मी लिव्स एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन ऑर्डर टू तो प्रोसीड नाइट्रोजन फिक्सेशन गाइज करेक्ट आंसर आपका बी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में बात करते हैं डेस्मो नॉस्टॉक मस्कोरम फॉर्मली एज आपने एक स्पीसीज का नाम मैंने बताया था आपको कि नॉस्टॉक मस्कोरम ये पहले कहलाती थी डेस्मो मस्कोरम बस सिंपल सी बात है कि डेस्मो नास्टॉक परफॉर्म पहले क्या नाम जाना जाता था नास्टॉक मस्कोरम के नाम से जाना जाता था गाइज करेक्ट आंसर आपका थर्टी एट का ए तो थैंकफुल गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू रियली इंजॉइंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी डिलेज थैंक यू वेरी मच गाइज